नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो साइप्रस T10 का अगला मैच खेला जाएगा आज के दिन 12:30 बजे इस मैच के बारे में, ठीक है, जो खेला जाएगा NCT वर्सेस EVE के बीच में। अब इस मैच में किस तरह से हमारी फैंटेसी टीम रहना चाहिए, क्या पिच रिपोर्ट है, ग्रैंड लीग्स का एक यूनिक टीम कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, यहाँ पे NCT का जो टीम है इसके कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने दम पे पूरे मैच को विन करा सकते हैं, तो वो कौन से प्लेयर्स हैं सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। देखो, EVE का जो है रिसेंट फॉर्म अच्छा है और NCT का टीम जो है इसका रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है, लास्ट के 4 मैच बैक टू बैक लॉस करके आ रही है, ठीक है। फिलहाल बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। एप्सोन क्रिकेट ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा, जहाँ का ग्राउंड बैट्समैन को पूरे अच्छे तरह से काफ़ी ज़बरदस्त हेल्प कर रही है, ठीक है, और पेसर बॉलर्स को एडवांटेज है, बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले जाए एवरेज का, तो 117 से लेकर के 130 के आसपास आपको एवरेज देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे पेसर को एडवांटेज है, पेसर बॉलर्स जो है यहाँ पे विकेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों टीमों के बीच अब तक के जो मैचेस है 3 बार खेले गए, जिनमें NCT का टीम जो है 2 बार मैच को विन किया है, EVE का टीम 1 मैच को विन किया है। स्ट्रांग जो टीम है वो है NCT का। अब बात कर लें यहाँ पे कि टीम हमें कैसे बनाना है, टीम कम्बिनेशन क्या रहने वाली है, तो हम इस मैच को ओपन करते हैं, ठीक है, और चलते हैं सीधे टीम कम्बिनेशन की ओर। सबसे पहले हमें क्या करना है, NCT का प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम फिल्टर कर लेते हैं NCT का, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेयर्स को हमें ड्रॉप करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। अब देखो, एस शाही है, ये प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा EVE का टीम से, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बात करने वाले हैं हम NCT का, तो NCT का टीम जो है जे मेहरा, ठीक है, ये प्लेयर आपको जैसन मेहमद जो है ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, लास्ट के जो भी मैचेस खेला है ये बंदा, यहाँ पे देखो, हर मैच में ये ड्रीम टीम में आ रहा है, 100% चांस है कि फिर से ये ड्रीम टीम में आने वाला है, ठीक है। 2 ओवर पूरा बॉलिंग डालेगा और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाला है, ठीक है, तो ये प्लेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप इस प्लेयर को भी ले सकते हो जो आर मजेमंदर है, ठीक है। देखो, लास्ट वाली मैच में ये लास्ट के 3 मैच में फ्लॉप है, बाकी उससे पहले देखो 3 मैच में ड्रीम टीम में है, उससे पहले 1 मैच में फ्लॉप है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस प्लेयर को भी आप अपने टीम में लेके चल सकते हैं, जो विकेट कीपर सेक्शन से आपको मिलेगा। फिलहाल हम अभी के लिए इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम किसको, HRussell को, ठीक है, HRussell को, जो 2 ओवर बॉलिंग डाल रहा है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, ठीक है। इस प्लेयर को भी हमें अपने टीम में लेके चलना है। TAMINUL है, इसको भी आप ले लो, 2 ओवर पूरा बॉलिंग डालेगा और ये जो है बैटिंग कर रहा है टॉप ऑर्डर में, ठीक है, पेसर गेंदबाज है, तो ये प्लेयर भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से MBilal को भी अपने टीम में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 ओवर में बॉलिंग डालेगा और एक तो आपको पावर प्ले में बॉलिंग डाल के देगा और दूसरी बात जो है ये डेथ में भी बॉलिंग डालता है, ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MBilal, इसको भी आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे दूसरे प्लेयर का, तो यहाँ पर देख सकते हो जे हसन है, ये विकेट कीपर सेक्शन से, अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रहा हो, ठीक है, NCT का, तो आप जे हसन के साथ भी जा सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक टी इस्लाम जो प्लेयर है, इस प्लेयर को आपको अपने टीम में लेके चलना है, ठीक है, आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने वाला है टी इस्लाम, ये भी 2 ओवर बॉलिंग डालेगा और आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग करके देगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे टी रहमान को भी आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं। यहाँ से NCT का जो टीम है, यहाँ से हमने इसके 6 प्लेयर्स को अपने टीम में पिक कर लिया है। बात कर लेंगे EVE का टीम, ठीक है, EVE का जो टीम है इसके प्लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे EVE, ठीक है, इसके प्लेयर्स कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको इस यहाँ पे लेना है ये शाही का, ठीक है, क्योंकि ये 2 ओवर बॉलिंग डालेगा
और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा है, ठीक है। इस प्लेयर को आप अपने टीम में लो, ये बम को भी आप अपने टीम में लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। देखो इसका रिसेंट फॉर्म आप यहाँ पर देख लो, हर मैच में बंदा ड्रीम टीम में है, ठीक है। लास्ट के जो भी मैचेस खेला है यहाँ पे, इसमें एक मैच में जो है ये फ्लॉप है, बाकी सारे के सारे मैच में ड्रीम टीम में है, ठीक है। तो ये बॉम भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में ए अख्तर को आप अपने टीम में लेके चले, क्योंकि ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों जगह से बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि देखो ये जो है बॉलर्स है, ठीक है, लेकिन टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करके आपको देगा, ठीक है। तो ए अख्तर भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे, एस पंडित है, ठीक है, एस पंडित को भी आप अपने टीम में लेना, क्योंकि ये प्लेयर भी आपको दो ओवर पूरा बॉलिंग करते हुए नज़र आएगा। और लास्ट के जो भी मैचेस खेला है यहाँ पे देख सकते हो, दो मैच में फ्लॉप है, बाकी हर मैच में बंदा ड्रीम टीम में आया है, ठीक है। तो आप चाहे तो एस पंडित को ले सकते हो, यहाँ से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पे देखो आर बक्टी, ठीक है, आर बक्टी ऑलराउंडर है, बॉलिंग डालेगा, ठीक है, और बैटिंग भी करेगा मिडिल ऑर्डर में, तो ये आपके लिए रिस्की प्लेयर होगा। फिलहाल यहाँ पे एस पंडित को रखो, ठीक है, और यहाँ से बी खात्री है, बी खात्री को भी आप अपनी टीम में रखो, क्योंकि ये जो है दो ओवर पूरा बॉलिंग डालेगा बी खात्री, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भी मैचेस खेला है, इसमें तीन मैच में ड्रीम टीम है, बाकी मैच में फ्लॉप है, लेकिन दो ओवर पूरा अपना स्पेल करता है, राइट आर्म पेसर है, ठीक है। तो भुवन खात्री को भी आप अपने टीम में लेकर चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट टीम बन चुका है, ठीक है, दोनों टीम से हमने प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। अब बात करेंगे टीम कम्बिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सीधे यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की हम बात करेंगे, तो कैप्टन किसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा हो, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, टॉप ऑर्डर में जो भी बैटिंग कर रहा हो, दो ओवर पूरा अपना स्पेल कराओ, सीधा आप उसे कैप्टन बना दो, ठीक है। और वाइस कैप्टन आप जो दो ओवर कर रहा है पूरा पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग कराओ, उसे वाइस कैप्टन करो, ठीक है। तो फिलहाल हमारा कैप्टन यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ से जे मोहम्मद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो जे मोहम्मद को आप कैप्टन कर लो, ठीक है, और वाइस कैप्टन आप एस शाही को कर लो, ठीक है। या फिर आप यहाँ से आपके लिए कुछ और ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो एच रुसुडेल है, इसे भी वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में टी रहमान है, इसे भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। या फिर आपके लिए यहाँ पर ए बॉम जो है, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, इसे भी आप वाइस कैप्टन कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी जो है टीम कम्बिनेशन यही रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन यही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस करेंगे उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई डाउट हो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।